हाँ तो चलो यार, मैं तुमको बताऊँ तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। बोले तो मैं इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा अमीर हूँ, और ये जितनी भी गाड़ियाँ और बाइक तुम लोग देख सकते हो, ये सारी की सारी गाड़ियाँ मैंने इन लोगों को लेके दिया है। लेकिन एक सेकेंड यार, मेरे पास तो अपने लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पास अगर इतने ज्यादा पैसे होते तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर क्यों नहीं ले लेता। अरे यार, क्या करूं भाई, बहुत ही ज्यादा भिखारी हो चुका हूं और मेरे को इस गांव के अंदर रहना पड़ रहा है। चलो यार, तुम्हें मैं अपना घर दिखाता हूं। अरे यार, ये क्या हो गया? अरे नीचे गिर गया, भैंस की टांग लग गई, पिछवाड़ा टूट गया मेरा तो। और आप लोग देख सकते हो, ये रही हमारी स्कूटी, जो कि मेरी बिल्कुल भी नहीं आ रही। यार मेरे पापा की स्कूटी है, और यार हम लोग इतने ज्यादा गरीब हो चुके हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग कोई गाड़ी ले लें। मैं गरीब हूँ। और यार ये रही मेरी प्यारी साइकिल। अरे यार, इसी साइकिल पे तो मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अरे यार, स्कूल से याद आया, अरे 10 बज गए, अरे मेरे को तो स्कूल भी जाना था। चलो यार, स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ जल्दी से। A few moments later. तो चलो यार, यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका। और भाई मैंने सोचा कि क्यों ना यार अपने पापा की स्कूटी को लेके स्कूल चला जाता हूँ। वैसे भी उनको कौन बताएगा, क्योंकि वो तो काम के सिलसिले में गाँव से बाहर गए हुए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और यार मेरे सभी दोस्तों के पास एक से एक बढ़िया बाइक है, लेकिन यार मेरे पास तो कोई भी बाइक नहीं। और आज मैं अपने पापा की स्कूटी उनको दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरी साइकिल की बहुत बेइज्जती करते हैं। और यार पापा की स्कूटी तो भागती भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये क्या हो रहा है इसको? अरे अरे, स्कूटी रुकी हुई है। अरे यार ये क्या हो गया, स्कूटी तो बंद पड़ गई। चलो यार नीचे उतर के देखता हूँ क्या होगा इसको। अरे यार, टायर में हवा तो एकदम बढ़िया है, लेकिन यार ये स्कूटी बंद क्यों पड़ गया? अरे यार ये क्या यार, इसके अंदर तो पेट्रोल ही नहीं है। अरे यार, स्कूटी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया, लगता है यार अब मेरे को डलवाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे तैसे मैं स्कूटी को स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पास में पेट्रोल पंप है, चलो यार इसको वहां पे लेके चलता हूँ और यार इसके अंदर पेट्रोल डलवा लेता हूँ, और यार बाद में तो मैं पापा से पैसे ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं पेट्रोल पंप पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं जैसे इस बंदे को पेट्रोल का बोलने लगता हूँ, मैं कह देखता हूँ यार पेट्रोल के भाव तो बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अरे यार, मैं इसी तरह पेट्रोल डलवाता रहा तो मेरी सारी पॉकेट मनी तो इसी में चली जाएगी। तो यहाँ से मैं अपनी स्कूटी के अंदर 10 रुपए का पेट्रोल डलवा लेता हूँ, और यहाँ से अपनी स्कूटी को लेकर स्कूल की तरफ जाने लगता हूँ। बाकी मेरे भाई, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई बिना शर्माए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग नहीं कर रहे यार। तो यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर मैं स्कूल भी आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या देखता हूँ यार, ये इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ किसकी खड़ी है स्कूल के बाहर। अरे लगता है यार मेरे दोस्त लेके आए होंगे। और यार ये क्या, ये तो मेरे दोस्तों की बाइक है। अरे यार ये हायाबुसा तो कितनी बढ़िया लग रही है, चलो यार इसके ऊपर बैठता हूँ। और यार ये वाली बाइक के ऊपर मैं जैसे ही बैठता हूँ यार, मेरे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, और यार मेरे को बुरा भला बोलने लगते हैं, और यार मेरे को मारने लगते हैं। अरे अरे, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मेरे को क्यों मार रहे हो, तुम तो मेरे सारे दोस्त हो। अरे यार मत मारो यार मेरे को। अबे दोस्त है तो क्या मतलब, तू हमारे बाइकों को छेड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत बिखारी गई है, तुझे पता भी है कितने महंगे बाइक है, और तूने इसके ऊपर बैठने की हिम्मत भी कैसे की? सारा बाइक गंदा कर दिया, नुबड़े कहेंगे नीचे उतर जाए इससे। अरे बेबी, मैंने तो पहले ही बोला था कि इसको दोस्त मत बनाओ, ये बिखारी है। आज देखो ये अपने पापा की स्कूटी को लेके आ गया, जो कि बहुत ही कबाड़ लग रही है। अरे इसको निकालो यार, अपने दोस्त मत बनाओ इसको। अबे जा तू भिखारी, भीख मांग जाके, और अपने लिए कोई अच्छी सी बाइक ले ले भिखारी कहेंगे। अरे हाँ हाँ यार, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, तुम लोग मेरे को मारो मत। अरे यार मेरी कितनी बुरी किस्मत है, और मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ। आज मेरे को पता लग के यार मैं गरीब हूँ, इसके कारण मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, और कोई मेरे को प्यार नहीं करता, और ना ही आप लोग मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो। यार मैं तो टूट गया हूँ यार अंदर से, अब तो मेरे को कैसे भी करके अमीर बनना पड़ेगा। अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो सब बंदे मेरे को प्यार करने लगेंगे। बस लायक है क्या? अरे यार, लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं यार जिससे मेरे को पैसे मिलेंगे, और यार उससे मैं अमीर हो जाऊं, क्योंकि मेरे को तो कोई काम धंधा भी नहीं करना आता। और ये क्या यार, ये तो मेरा दोस्त है चिंटू। अरे चिंटू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार? अरे यार बंटी, पहले तो मेरे को ऊपर वाले के नाम पे 10 रुपए दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। हमें बताने की जरूरत नहीं है, पता चल रहा है यार तू यहाँ पे भीख मांग रहा है। अरे तू भिखारी कब से बन गया, और तू ये क्या काम कर रहा है यार? तू तो बहुत ही अच्छा लड़का था। हाँ हाँ बंटी, तुझे क्या पता मेरे पास कितना सारा पैसा है, और मैंने यहाँ से भीख मांग मांग के इतनी सारी गाड़ियाँ ले ली, और मेरे पास एक आलीशान बंगला भी है, और मैं यहाँ से रैली मांगता हूँ। अबे क्या भाई, और ये सच में इसके पास कोई बंगला है? अरे यार अगर मैं भी भीख मांगू तो मेरे को भी बहुत ही पैसे मिल जाएंगे, उससे मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर भी ले लूंगा, और अच्छी सी गाड़ी भी ले लूंगा। अरे चलो यार मैं भी ये काम करता हूँ, लेकिन यार पहले तो मेरे को घर पे जाके अपना बेस बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जल्दी से यार अपने घर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना बेस भी बदल लिया है, और यार अभी मैं मांगने जाऊंगा। अरे ये क्या यार, पहला कस्टमर मिल भी गया। चलो यार इन्हीं आंटी से भीख मांगता हूँ, क्या पता कुछ पैसे मिल जाए यहाँ से। मस्त प्लानिंग।
अरे हेलो आंटी जी, मेरे भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने 10 लाख रुपया मांगा ऑपरेशन के लिए। अगर मैंने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपया नहीं लाया तो मेरा भाई मर जाएगा। मेरे को कम से कम 20,000 रुपया आप दे दो। अरे अरे क्या बेटा, तुझे 20,000 रुपया चाहिए अपने भाई के ऑपरेशन के लिए? ये ले, मैं तुझे 50,000 रुपया दे देती हूँ, इससे अपने भाई का ऑपरेशन करवा ले बेटा। अरे आंटी आप तो बहुत ही अच्छी हो, आपने मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए मेरे को पैसे दिए। आपके मैं पैसे थोड़े दिनों तक लौटा दूंगा, आप तो यार मेरा भाई बच जाएगा। चलो मैं आंटी चलता हूँ। अरे यार पहले ही कस्टमर से 50,000 रुपया मिल गया। अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा काम है। चलो यार ये सामने एक अंकल दिखाई दे रहे हैं, चलो इनसे भी भीख मांगता हूँ। अरे अरे अंकल जी मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने 10 लाख रुपया लाने को बोला है। अगर आप मुझे 50,000 रुपया दे दो तो मेरी भाई की जान बच जाएगी। अरे क्या बेटा, तुम्हें 50,000 रुपया चाहिए अपने भाई की जान बचाने के लिए? 50 क्या बेटा, मैं तुझे 2 लाख रुपया पूरा दे देता हूँ। ये ले बेटा पूरा 2 लाख रुपया और अपने भाई की जान बचा ले। अरे थैंक यू अंकल, आप तो बहुत ही अच्छी हो, मेरे भाई की अब जान बच जाएगी। चलो यार मैं हॉस्पिटल चलता हूँ जल्दी से, बाय बाय अंकल। और यार मैं ऐसे ही करते करते एक एक करके हर बंदे से भीख मांगने लगता हूँ। और यार मेरे को काफी बंदे अच्छी अच्छी भीख दे रहे थे और मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हो रहे थे। 2000 years later. और यहाँ पे मेरे को एक महीना हो गया यार भीख मांगते मांगते। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने भीख मांग मांग के ये वाली गाड़ी भी ले लिया और इसी गाड़ी के अंदर मैं अपना बेस बदल लेता हूँ ताकि कोई मेरे को पहचान ना पाए यार। तो यहाँ पे मैंने अपना बेस बदल लिया और यार मेरे को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। चलो यार मैं जल्दी से अपने बैंक से अपने पैसे निकलवा लेता हूँ और यार मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर लेने जा रहा हूँ इसी सिटी के अंदर। A few moments later. और यहाँ पे मैंने अपने ब्रोकर से बात करके ये वाला घर अपने लिए ले लिया और ये वाला घर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो यार अंदर से जाके इसको देखता हूँ। और यार इसके अंदर तो टीवी भी है, चलो यार टीवी को ऑन करके लगाता हूँ, अरे मजा आएगा यार तो। और यहाँ पे जैसे ही मैंने टीवी को ऑन किया मैं क्या देखता हूँ यार, ये छपरी न्यूज वाले कौन सी न्यूज दिखा रहे हैं टीवी के अंदर? छपरी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमारी सिटी के अंदर खुला महिंद्रा थार का नया शोरूम। जी हाँ आपने सही सुना, हमारी सिटी के अंदर महिंद्रा थार वालों ने एक नया शोरूम खोला है और महिंद्रा वालों ने एक नया स्कीम रखा है कि जो भी बंदा आज के आज इस वाले शोरूम से गाड़ी लेगा उसको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो जिसको भी भाई महिंद्रा थार लेनी है जल्दी से पेट्रोल पंप पे आ जाओ। अरे यार महिंद्रा थार वो भी हमारी सिटी के अंदर? अरे यार महिंद्रा थार तो मेरी ड्रीम कार है। अरे चलो यार इसको लेने चलता हूँ। और यार तुम लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी और तुम कौन सी इंडियन गाड़ी को लेना चाहते हो, मेरे को भी पता चलना चाहिए ना यार। तो चलो यार यहाँ पे अपनी गाड़ी को भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे तुम लोग देखो यार कितनी सारी महिंद्रा थार खड़ी हैं, वो भी रेड कलर में। अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है यार सारी गाड़ियाँ ले लूँ, लेकिन यार ये तो अपनी औकात से बाहर है। और यार लगता है ये सेलमैन है, चलो यार इसको बोलता हूँ कि मेरे को भी गाड़ी चाहिए। अरे भाई साहब आपकी शक्ल तो मेरे को कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे हाँ हाँ याद आया, आपके जैसा बंदा तो एक भीख भी मांग रहा था। अबे क्या बोल रहा है, भीख मांग रहा था, मैं भिखारी दिखता हूँ क्या तुझे? अरे अरे सॉरी सॉरी सर, यार मैं तो मजाक कर रहा था, आप हमारे कस्टमर है। अरे सॉरी सॉरी सर, माफ कर दो मेरे को। अरे हाँ हाँ चलो यार माफ किया, कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और मेरे को यार एक महिंद्रा थार दो, जल्दी करो, इसकी पेमेंट मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो चलो यार यहाँ पे मैंने ये वाली महिंद्रा थार को ले लिया और यार मैंने ट्रक भी मंगा लिया और इस ट्रक के अंदर मैंने अपनी दोनों गाड़ी को एक एक करके लोड भी कर लिया। चलो यार इनको लेके अभी मैं चलता हूँ अपने घर पे। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने कैसे एक महीने के अंदर भीख मांग मांग के अपने ये दो दो इंडियन गाड़ियां ले ली। चलो यार इनको लेके अपने घर पे चलता हूँ। बाकी तुम लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते करते जाना यार। हाँ मेरे भाई पार्ट टू के लिए पार्ट टू कमेंट कर देना। तो चलो यार मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।